दोस्तों, जैसे आप लोग भी क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो भैया वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझ में आएगा। बिना चार्ज के आप लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, A to Z पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे आप लोग भी क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाते हो तो बहुत सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई काम की नहीं रहती और आप लोग का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इतना मैं कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दूंगा भैया क्रेडिट कार्ड का पैसा कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों आप लोग विदाउट चार्ज के क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, A to Z पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ इलियास अहमद, आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा क्रेडिट कार्ड का पैसा कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग भी ट्रांसफर करना चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझ में आएगा। तो बताने पहले दोस्तों एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं या बैंक से रिलेटेड कोई जानकारी आप लोग पाना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू पाना चाहते हैं, दोस्तों क्या होता है, प्ले स्टोर बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती है, तो कोई भी एप्लीकेशन भैया डाउनलोड करने से पहले कहीं ना कहीं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं आप लोग का डाटा भी लीक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो अभी तक आप लोग चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आसानी से आप लोग वीडियो देख सकते हो। नीचे वो मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो मैंने बताया अगर जानकारी आप सब लोग काम के लगे तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग अच्छी तरह जानते हो भैया वीडियो कितने मेहनत से बनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना डाटा खोल लेना है। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग भी क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो विदाउट चार्ज के तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझ में आएगा। दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं बात करें यूट्यूब पर गए होंगे और बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, यानी यहाँ बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम हो हैं यहाँ पे, अब बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे तब भी क्रेडिट कार्ड का पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाए होंगे। तो दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे जाते हो यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाती है। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ, जैसे आप लोग सर्च करो क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर, बहुत सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाती है लेकिन काम की नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों इतना मैं कहता हूँ, मैं जैसा मैं ट्रिक बताऊँगा वैसा आप लोग करोगे तो आप लोग 100% क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको यही कहना चाहता हूँ, इस जो मैं ट्रिक बताऊँगा तो आपको वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आ जाने के लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, मैं बात करें 100% वर्किंग करती है, मैं क्रेडिट कार्ड पैसा जो भी होता है, यानी जो भी जिन लोग भी क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं तो बात तो वही एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिसका नाम दोस्तों यहाँ देख सकते हो, मैं भेजाता हूँ मोबीक्विक जिप पे। तो दोस्तों क्या आप लोग भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखे हो, नहीं कर रखे हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हो मैं मोबीक्विक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा हूँ, अच्छा खासा एप्लीकेशन है, यहाँ देख सकते हो 50 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर रखे हैं, अच्छी खासी है, यहाँ पर लोन भी प्रोवाइड कराती है, हर चीज़ कराती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर मोबीक्विक पे लेटर। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। तो ये कहना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझ में आएगा। तो इतना मैं कहता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न द्वारा कर रखे हो आप यहाँ पर, क्या आपको यहाँ पर आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो, एक सेकंड यहाँ पे अवेलेबल नो पे आप हमें क्लिक कर देना है, यहाँ सेविंग, यहाँ पर हमें कुछ सेकंड वेट कर लेना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पीछे आ जाना है, यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फ KYC करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बात करें, यहाँ पर बहुत कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाती है, यहाँ पर स्कैनर है, यहाँ पर स्कैनर आप स्कैन करके इस पर भी पैसा ले सकते हो, IDFC बैंक से ये लिंक है, यहाँ कंप्लीट आपको KYC कर लेनी है तभी आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC है, आपको यहाँ पे पैन कार्ड ऑलरेडी मैंने कर रखा हूँ, यह सब आपको आधार कार्ड से आपको यहाँ पे KYC कर लेना है। उसके बाद जब करोगे दोस्तों इसका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ देख सकते हो पेमेंट बैंक का यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ चेक बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है, जो यहाँ पर मैं बात करें रिचार्ज बिल पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, UPI ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्कैन आप कर सकते हो कि दूसरे पर वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र, अगर आप मोबीक्विक एप्लीकेशन का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हो, या लोन भी प्रोवाइड का आपको कराती है, 2 लाख तक का आपको मिल जाती है। अब मैं बात करें क्रेडिट पे रेंट का पे पैसा, जैसे LazyPay हो या जेट मनी का, तब भी आप लोग यहाँ से पे रेंट से आप लोग इससे भी 1% आपको लेती है, यहाँ से भी आप लोग
कार्ड का जो भी कार्ड है यहाँ पर आपको करके अकाउंट नंबर आईसी कोड डाल के यहाँ पर आप सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब मैं बात करें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पैसा कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हो, अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ लिखा होगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यहाँ इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कितना परसेंट लगेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, तो यही कहना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों हमें जैसे क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना है। तो वेट करेंगे तो इसका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हो, आप लोग भी क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ लिखा होगा एंटर क्रेडिट कार्ड नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे यहाँ लिखा होगा, यहाँ देख सकते हो कंटिन्यू पर आपको, अब मैं बात करें कितना परसेंट ये आपको उससे पैसा लेती है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो, जैसे आप लोग कराना चाहते हो, यहाँ पर ₹50 आपको कैश बैक में मिल जाता है, यानी 1% आपको यहाँ पर लगता है चार्ज। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हो 1% सर्विस कार्ड क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो भैया 1% चार्ज यहाँ पर लगता है। अगर ₹100 करोगे तो यहाँ पर ₹1 लेगा। उसके बाद ₹50 यहाँ पर आपको दे सकते हो। यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड भी आपको यहाँ में मिल जाता है। तो दोस्तों आपको अगर आपको क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी है आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पे एक सेकंड बैक कर लेना है, हमें यहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो जो पैसा होगा आपका, जो सीधे ये क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये जानकारी आप लोग बताना चाहता था, ये जानकारी आप सब लोग कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों जैसे आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोग इस चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आसानी से आप लोग वीडियो देख सकते हो। अब भैया अगर ये जानकारी आप सभी लोग काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और बहुत सारे लोगों को पता चल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानकारी आप लोग बताना चाहता था। दोस्तों ये जानकारी आप सभी लोग कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।